हेलो गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ब्रेकियल प्लेक्सिस, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी दफ़ा ये एग्ज़ाम में आया है। एंड इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू ड्रॉ ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो आप ये शुरू से एंड तक वीडियो को अच्छी तरह देखें तो आपको ये अच्छी तरह समझ आएगा। तो अच्छा, अब हम शुरू करते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस होता क्या। नाम से पता चला ब्रेकियल प्लेक्सिस, प्लेक्सिस मीन नेटवर्क, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ अर नर्व्स। अब नर्व्स इसमें कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, आपने याद रखना, स्पाइनल नर्व्स इन्वॉल्व होंगी, सर्वाइकल एंड फर्स्ट थोरेसिक नर्व। सर्वाइकल में आ गए उसकी एंटीरियर रेमाई ऑफ C5, C6, C7, C8 सर्वाइकल नर्व और फर्स्ट थोरेसिक नर्व, ये मिलकर प्लेक्सिस बनाएंगे। और ये जो नट इस ब्रेकियल प्लेक्सिस में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट नर्व्स होती हैं अपर लिम्स की, वो फिर आगे ब्रेकियल प्लेक्सिस एक्सटेंड करता है इनटू द आर्म्स। तो ये हमारे पर ब्रेकियल प्लेक्सिस हो गया। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस को सीखने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ब्रेकियल प्लेक्सिस में उसकी रूट्स, ट्रंक्स, डिविजन्स एंड कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस। रूट्स आगे मिलकर बनाती ट्रंक्स, ट्रंक्स देन डिवीजन, डिवीजन मिलकर कॉर्ड्स, और फाइनली कॉर्ड्स आगे मिलकर बनाएंगी ब्रांचेस। रूट्स तो अभी आपको पता है ब्रेकियल प्लेक्सिस कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, वो उसका रूट होता है। तो C5, C6, C7, C8, T1 ये रूट ब्रेकियल प्लेक्सिस का होता है, और ये हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सिस जहाँ से शुरू होता है। तो फिर आगे रूट्स मिलकर ये ट्रंक्स बनाएंगे, क्योंकि तीन ट्रंक्स होंगे, सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर ट्रंक्स। फिर हर ट्रंक की दो दो डिवीजन होगी, सुपीरियर के एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन, मिडल के एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन, और लास्ट आगे हमारे पास इन्फीरियर की एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन होगी। अच्छा, फिर आगे जो डिवीजन्स होंगी वो मिलकर आगे बनाएंगी कॉर्ड्स। मैं आपको वैसे ओवरव्यू दे देता हूँ कि वो आगे मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा कि कैसे डिवीजन्स मिलकर कॉर्ड बनाएंगे, लेटरल पोस्टीरियर एंड ये मिडल कॉर्ड बन गया। फिर आगे हर कॉर्ड्स के आगे फर्दर ब्रांचेज होंगे। तो यहाँ तक ये ब्रेकियल प्लेक्सिस का ओवरव्यू है। इसके बाद जो है ना, अब मैं आपको इसको ड्रॉ करना सिखाऊंगा कि कैसे ड्रॉ करते हैं। बहुत सिंपल तरीका है इसको, आपने क्योंकि मैं जब एग्ज़ाम में होता था मैं उसको चार स्टेप से ड्रॉ करता था, और वही मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे ड्रॉ करना है। बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। अच्छा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, आपने तीन हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी है। ये तीन हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी है। तो फर्स्ट स्टेप में ये तीन हॉरिजॉन्टल लाइंस बन गई। फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा, आपने जो फर्स्ट और जो लास्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें से एक ऐसे ब्रांच निकालनी। ये हमारे पास ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप, आपने एक वी बनाना है, दो वी बनाने, एक वी इस तरह, जो दूसरा वी थोड़ा टेढ़ा बनाना है और उसको थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देना दूसरे वी। और ये तीसरा स्टेप हो गया। जो लास्ट स्टेप, आपने एक इस तरह क्रॉस सा बनाना है, ये फर्स्ट क्रॉस, दूसरा क्रॉस तो हमने थोड़ा टेढ़ा बनाना है। तो फर्स्ट फोर्थ स्टेप पता चल गया आपको, पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस, तीन हॉरिजॉन्टल लाइंस। सेकंड स्टेप में आपने ये दो ब्रांचेस निकालने हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप में आपने दो वी बनाने, ये दो वी बन गए, दूसरे वी को एक्सटेंड कर दे। एंड लास्ट फोर्थ जो स्टेप है उसमें आपने ऐसे क्रॉस बना देना। तो ये तो हमारे पास हो गया सिंपल। उसके बाद आगे मैं आपको बताऊँगा रूट्स, ट्रंक्स, डिविजन्स, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस। तो सबसे पहले मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, उसकी डिविजन्स। बहुत सिंपल तरीका ये, आप एग्ज़ाम में इस तरह बना सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले अब हमारे पास रूट्स तो आपको पता कौन कौन से था, C5, C6, C7, C8 एंड देन T1। तो अब हम इसको मार्क कर लेते क्या क्या। ये आ गया रूट्स, ये आ गया ट्रंक्स, ट्रंक्स के आगे मैंने बताया था आपको डिविजन्स, डिविजन्स के बाद कॉर्ड्स, एंड देन कॉर्ड्स के आगे हमारे पास आ गई ब्रांचेस। ये हमारे पास इसकी ब्रांचेस, ठीक है। तो अब हम इसको ट्रंक्स, हमारे पास तीन ट्रंक्स से मैंने बताया था, सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर ट्रंक। तो हम इसको नेमिंग कर देते हैं, ये आ गया सुपीरियर ट्रंक, ये आ गया मिडल ट्रंक, और ये आ गया इन्फीरियर ट्रंक। अब ये देखें, आपने गौर से देखना है कि ट्रंक्स रूट से मिलकर बन रहा है। मैं आपको बताऊंगा कैसे बन रहा है।
C5 एंड C6 रूट क्या मिलकर बना रहा है? सुपीरियर ट्रंक। ठीक है, ये MCQ जा सकता है कि सुपीरियर ट्रंक किस रूट से मिलकर बना है? C5 एंड C6 से। ठीक है, इसी तरह जो मिडल ट्रंक है वो किससे मिलकर बना है? C7 से। और जो इन्फीरियर ट्रंक वो किससे मिलकर बना है? C8 एंड T1 से। ठीक है, आगे आगे ट्रंक्स मैंने आपको बताया था एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिविजन्स में डिवाइड होते हैं, तो ये अब हम इसकी डिवीजन कर लेते हैं। ये आगे सुपीरियर की एंटीरियर डिवीजन, ये आगे सुपीरियर की पोस्टीरियर डिवीजन, ये एंटीरियर डिवीजन एंड ये पोस्टीरियर डिवीजन। इस तरह मिडल की, ये मिडल की आगे एंटीरियर डिवीजन, ये मिडल की आगे पोस्टीरियर डिवीजन। इसी तरह इन्फीरियर ट्रंक की ये आगे पोस्टीरियर डिवीजन और ये आगे एंटीरियर डिवीजन्स। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको। सुपीरियर ट्रंक की एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन, ये पोस्टीरियर डिवीजन। मिडल ट्रंक की ये एंटीरियर यहाँ तक और ये पोस्टीरियर डिवीजन। इन्फीरियर की ट्रंक की ये आगे पोस्टीरियर, ये एंटीरियर डिवीजन्स। आगे मैंने बताया था डिवीजन मिलकर बनाएंगे कॉर्ड्स, तो सबसे पहले हम इस कॉर्ड्स को नेम देते, फिर बता कि ये कॉर्ड्स किस किस डिवीजन से मिलकर बने हुए हैं। ये लेटर, ये पोस्टीरियर और ये आ गया मीडियल कॉर्ड्स। ठीक, अब जो देखें लेटरल कॉर्ड से देखना है, ये लेटरल कॉर्ड है ये किससे मिलकर बना हुआ है? एंटीरियर डिवीजन ऑफ सुपीरियर ट्रंक एंड एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल ट्रंक। ये MCQ आ सकता है, आपने गौर से देखना है। लेटरल कॉर्ड इज फॉर्म बाय द एंटीरियर डिवीजन ऑफ सुपीरियर ट्रंक एंड द एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल ट्रंक। और पोस्टीरियर ट्रंक तो बहुत सिंपल है, इट इज़ फॉर्म बाय द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑल द ट्रंक, सुपीरियर मिडल एंड इन्फीरियर ट्रंक। ये देखें, ये आ गया पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ सुपीरियर ट्रंक, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मिडल ट्रंक एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ इन्फीरियर ट्रंक से हमारे पास क्या मिल रहा है? पोस्टीरियर कॉर्ड। और आखिर मीडियल आ गया एंड पर, तो मीडियल कॉर्ड किससे मिलकर बना है? ये सिंपल, एंटीरियर डिवीजन ऑफ इन्फीरियर ट्रंक। ये हमारे पास कॉर्ड्स भी आ गए। कॉर्ड्स के बाद आगे ब्रांचेस। अच्छा, ब्रांचेस का मैं आपको एक निमोनिक बताता हूँ, इसका आपने रखा है मार्मू, मार्मू। ठीक ठीक है, एम से आपने यहाँ रखा है मस्कुलो क्यूटेनियस, ए से एक्सिल, एक्सिल नर्व, रेडियल नर्व, मीडियन नर्व एंड अलर नर्व। ठीक है, तो अभी तक तो आपको समझ आ गई होगी सारा ये किस तरह अभी तक जो ड्रॉ किया है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने, अब हम ब्रांचेस को एक्सप्लेन करेंगे कि ब्रांचेस कौन कौन सी है पूरे, क्योंकि ये हमारे पास ब्रेकियर प्लेक्सिस बन गया। अब ब्रांचेस सबसे पहले रूट से शुरू करते हैं। जो C5 रूट है ना, इसमें सबसे पहले एक ब्रांच निकलती है, उसे कहते हैं डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। ठीक है, फिर ये होगी, उसके बाद स्पीयर ट्रंक से दो ब्रांचेस हो रहेंगी जिसे हम कहेंगे सुप्रा स्कैपुलर नर्व और सब क्लेविकुलर नर्व। तो जो इसको है ना, याद इस पोर्शन को याद रखना आपने, 3S, एस से सुप्रा स्कैपुलर, एस से सब क्लेवियस और डॉर्सल का एस से डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। अब आपने गौर करना है कि ये देखें, स्पीयर ट्रंक में सुप्रा स्कैपुलर नर्व है, तो सुप्रा है तो उसका मतलब सब भी कहीं ना कहीं होगी, क्योंकि सुप्रा स्कैपुलर है तो सब स्कैपुलर भी होगी। अब जो सब स्कैपुलर है आपने याद रखना है वो यहाँ पर होनी, पोस्टीरियर कॉर्ड में, ये सब स्कैपुलर है। लोअर सब स्कैपुलर नर्व मिडल सब स्कैपुलर नर्व और एंड पे हमारे पास अपर सब स्कैपुलर नर्व। तो पोस्टीरियर कॉर्ड में कौन कौन से सब स्कैपुलर आ गए? लोअर सब स्कैपुलर नर्व, मिडल सब स्कैपुलर नर्व एंड अपर सब स्कैपुलर नर्व। ठीक है, सुप्रा स्कैपुलर तो ट्रंक से आ गए, सुपीरियर ट्रंक, और सब स्कैपुलर कहाँ से आ रहा है? पोस्टीरियर कॉर्ड से। ठीक है, ये हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड्स। आगे मीडियल कॉर्ड में जो आपने निमोनिक याद रखा 3 एम्स का,
कौन कौन से होते हैं? 3M मैं आपको बताता हूँ। मीडियल कुटीनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल कुटीनियस नर्व ऑफ फोर आर्म एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व। 3 M's, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल कुटीनियस नर्व ऑफ फोर आर्म एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व। अच्छा, अब मीडियल पेक्टोरल नर्व मीडियल कॉर्ड से आ रही है, तो इसका मतलब लैटरल पेक्टोरल भी है। तो जो लैटरल पेक्टोरल है वो लैटरल कॉर्ड से आ रही है, लैटरल पेक्टोरल नर्व, लैटरल पेक्टोरल नर्व। ठीक है, जहाँ तक तो हो गया सिंपल। अब हम कॉर्ड्स को, मैं अभी आपको अच्छी तरह इसकी ना ब्रांचेस बताता हूँ फुल एक्सप्लेन करके। अच्छा, पूरी तरह अच्छी तरह मैं एक्सप्लेन करके आपको अब इन कॉर्ड्स की ब्रांचेस बताता हूँ। अब आपने बताने देखना है मीडियल कॉर्ड। मिडिल कॉर्ड के 5 ब्रांचेज हैं। एक तो ये अल्नर नर्व, दूसरी मिडिल कुटीनियस नर्व ऑफ आर्म, मिडिल कुटीनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, मिडिल कुटीनियस मिडिल पेक्टोरल नर्व, सॉरी मिडिल पेक्टोरल नर्व। फिर उसके बाद एक और, ये भी तो जा रही है, इस मीडियन नर्व। तो हम क्योंकि ये मीडियन नर्व देखें दो तरह से आ रहे हैं, एक लैटरल कॉर्ड से भी आ रहे हैं, एक मीडियल कॉर्ड से भी आ रही है। तो मीडियन नर्व जो कि मीडियल कॉर्ड से आ रही है उसे हम कहेंगे मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, और जो मीडियन नर्व लैटरल कॉर्ड से आ रही है उसे हम कहेंगे लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो लैटरल और मीडियल रूट दोनों मिलकर मीडियन नर्व बनाएंगे। तो फिर से मैं आपको बताऊंगा कि मीडियल की 5 जो ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। पहली अल्नर नर्व, दूसरी देख लें ये मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, क्योंकि ये भी ब्रांच तो इधर से निकल रही है। तीसरी मीडियल कुटीनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल कुटीनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, और लास्ट 5th नर्व जो है इसकी मीडियल पेक्टोरल नर्व। इसी तरह पोस्टीरियर कॉर्ड की भी 5 आगे ब्रांचेज हैं। कौन कौन सी देखें, ये पोस्टीरियर कॉर्ड था ना, ये पोस्टीरियर कॉर्ड की एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व, फिर ये जो 3 सबस्कैपुलर नर्व है, लोअर सबस्कैपुलर नर्व, मिडिल सबस्कैपुलर नर्व एंड अपर सबस्कैपुलर नर्व, लोअर मिडिल एंड अपर। और फिर आगे हमारे पास लास्ट कॉर्ड कौन सा रह गया था, लैटरल कॉर्ड। लैटरल कॉर्ड्स की आगे 3 ब्रांचेज हैं, कौन कौन सी? एक तो मस्कुलर कुटेनियस, ठीक है, एक लैटरल पेक्टोरल नर्व, और एक लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ठीक है, लास्ट में ये हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सिस था। और लास्ट आपको एक नर्व बताता हूँ, यहाँ से ये सारे रूट से जो कि C5, C6, C7, C8 एंड T1 से, लॉन्ग थोरेसिक नर्व का आपने नाम सुना होगा, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। लॉन्ग थ्रेसिक नर्व जो कि सेरेटस इंटीरियर को सप्लाई करती है। सॉल्ट इसका नमोनिक है, सेरेटस इंटीरियर, एस से सेरेटस इंटीरियर, LT इज लॉन्ग थ्रेसिक नर्व। तो ये लॉन्ग थ्रेसिक नर्व को सप्लाई करती है। अच्छा, मैं आपको बता दूं BD में जो मिडिल सबस्कैपुलर नर्व है ना, स्कैपुलर नर्व, मिडिल सबस्कैपुलर नर्व, उसने उसे कहा हुआ है थोरैकोडोर्सल, थोरैकोडोर्सल, थोरैकोडोर्सल नर्व। तो थ्रैकोडोर्सल नर्व आपने जब भी आया, तो ये असल में क्या होता है, मिडल सबस्कैपुलर नर्व होती है। तो ये सिंपल तरीका था, आई होप आपको समझ आई होगी। बाकी अगर आपको कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कौन सा टॉपिक आपने आगे सीखना है, तो हम उस पर आपको उस पर लेक्चर डिलीवर करेंगे। और दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रेकियल प्लेक्सिस। थैंक यू।